इस ये भाई आया था मेरे पास किताब लेके पूछने। एक्चुअली मैंने ही सजेस्ट करी थी किताब, एक्चुअली इंग्लिश के लिए मैंने सदाहर बुक नीतू मैम की सजेस्ट की थी और 2023 की। और इस बुक में ना ऐसे टॉपिक भी दिए हुए हैं जो मे डी जी की बुक में देखे थे मैंने, लाइक पैरेललिज्म मूड, जैसे ये आप टॉपिक देख सकते हैं ठीक है। और ग्रामर इम्प्रूव करने के लिए ये बेस्ट बुक हो सकती है आप लोगों के लिए। बहुत सारे लोग जो है इसी बुक को करते हैं। मैंने पर्सनली ये बुक बिल्कुल नहीं पढ़ी है, मेरे पास अलग बुक थी बीपी सिन्हा की परफेक्ट करके इंग्लिश की, वो मैं 2017 में ही ले आया था जब सीएचएसएल का एग्ज़ाम देने के लिए एलिजिबल था केवल। इस बुक में एक प्रॉब्लम है कि इसमें क्लोज टेस्ट और पैसेजेस बिल्कुल नहीं दिए हुए हैं, जिसके लिए आपको वॉल्यूम 2 ख़रीदना होगा। ये वॉल्यूम 1 है, तो मेरे को ये चीज़ सही नहीं लगती है कि आप कुछ टॉपिक्स के लिए जो इंपॉर्टेंट हैं 2-3 बुक और लॉन लेनी पड़े। तो पहले मेरे को पता होता तो मैं ज़रूर बताता, लेकिन पैसेज पढ़ने के लिए क्लोज करने के लिए आपको दूसरी बुक लेनी पड़ेगी या फिर ऑनलाइन माध्यम से देना पड़ेगा ठीक है। तो ग्रामर और एरर जो है इसमें तमीज़ से दिए हुए हैं, टॉपिक को बहुत अच्छे से समझाया गया है और फिर साथ में एरर जो प्रैक्टिस दिया है ना उनका सॉल्यूशन भी बहुत तमीज़ से दिया हुआ है। तो उसके लिए ये बुक बेस्ट है, आप समझ सकते हैं इसको खुद से और नहीं भी समझ सकते हैं तो यूट्यूब पर फ्री क्लासेस हैं, आप उनको भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये बुक मैंने सजेस्ट नहीं करी थी रीजनिंग की, खुद ही लेके आया केपी सिंह की, एक्चुअली ये भी अपने फ्रेंड से लेके आया देखने के लिए। तो ये बुक ना ठीक लगी मेरे को। आप एक लू से अरिहंत की बुक आती है, अगर आप बिगनर्स हैं तो आपको टॉपिक वाइज खुली होती है कि हाँ हमारे पास एक बुक हो जिससे हम सारी प्रैक्टिस कर पाए क्वेश्चंस, तो ये ठीक है, अच्छी खासी बुक है ये, देख सकते हो आप ना। वैसे रीजनिंग की बुक में सब टॉपिक वाइज ही होते हैं, तो इसमें भी आप टॉपिक देख सकते हो ठीक है। अब जैसे एनालॉगी टेस्ट है तो इसमें टाइप वन टाइप वाइज दिया है, लेकिन टाइप कैसा दिया है कि पहले जो इंग्लिश से आ रहे हैं वो टाइप है ठीक है, और जो सेकंड टाइप है अक्षरों की, ये तो ठीक है जो रूल समझाने की कोशिश करी है ये। और फिर टाइप टू जो है नंबर से दिया है, वो ए बी सी डी से दिया था। टाइप थ्री अलग टाइप से दिया है ठीक है, कि और किस तरीके से आ सकता है शब्दों में। फिर उसके बाद प्रैक्टिस भी ऐसे ही दी है और ये मिक्स भी दे देंगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है ठीक है। और ये बुक्स मेरे को इसलिए ज़्यादा पसंद आती हैं क्योंकि केवल 58 क्वेश्चंस हैं ठीक है। एग्जांपल मिला के मान लो 100 क्वेश्चंस हो जाए, तो आप जब ये 100 क्वेश्चन जो है 2-3 दिन में करने के बाद जब आप नया चैप्टर पढ़ेंगे तो आपको नया फील होगा है ना। और जिन बुक्स में इतने ही क्वेश्चंस के सेम टाइप के क्वेश्चंस रिपीट होते हैं और 600-700 क्वेश्चंस बना के रख देते हैं एक ही चैप्टर के 200-300, तो वो बोरियत होती है और फिर वो मैं रिकमेंड बिल्कुल नहीं करता हूं। आप अरिहंत की भी ले सकते हैं रीजनिंग की, वो भी आती है। और एक ये भी है वीवा पब्लिकेशन की, केपी सिंह राइटर है ठीक है। सब में जो है लिमिटेड क्वेश्चंस दिए हुए हैं और सारे तरह के कवर करे हुए हैं लगभग। एक प्रॉब्लम जो इस बुक में लगी मेरे को वो है कि प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का कंपाइलेशन जो किया है वो 2019 लास्ट है और एडिटेड वर्जन होगा ये आई थिंक उसके बाद भी। देखो इस पे लिखा हुआ है चतुर्थ नवीन संस्करण और फिर भी ये अपडेटेड नहीं है कि इसमें 2020-21 तक के भी अगर क्वेश्चंस दिए होते प्रीवियस ईयर तो ज़्यादा अच्छा होता, बट इट्स ओके, आप ये भी कर लेंगे तो भी कम नहीं है। तो रीजनिंग की किताब जो है इतनी मोटी भी अगर आप कर लेते हैं तो ठीक है। और नीतू मैम की बुक जो है वो ऑनलाइन मतलब ऑफलाइन ली थी 400 रुपये की, और ये वाली बुक भी आप मान लीजिए 350 रुपये रेट पड़ी है और इस पर 20% का डिस्काउंट, लगभग 280 इतनी महंगी बुक ये पड़ी हुई है हमें। तो आप इन बुक को ले सकते हैं अगर आप बिगनर्स हैं, बिगनर्स के लिए है ये बुक। और फिर आप अगर नीतू मैम तो और किसी के लिए हो जाएगी, लेकिन अगर आप एक सही लेवल पर पहुंच चुके हैं तो आपको मॉक देने की ज़रूरत है रीजनिंग में और टॉपिक करने की ज़्यादा ज़रूरत नहीं है। तो वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब। बाय।